हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपसेक में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि 16 सितंबर को आप सभी को यूपी SSSC पिकअप भवन में जाना है और वहां से अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है। तो ढेर सारे स्टूडेंट्स काफी तैयार थे 500-600 की संख्या में, लेकिन बीच में ट्यूबवेल ऑपरेटर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल साइट पे कि मतलब जो सेकेंड लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट आई है और 170 कैंडिडेट्स को बाहर भी किया गया है। साथ साथ इससे बहुत सारे स्टूडेंट पे इंपैक्ट भी पड़ा है और काफी सारे स्टूडेंट वहां पे गए भी नहीं थे, लेकिन कल की डेट में लगभग 50 से 60 कैंडिडेट्स वहां पे पहुंचे, जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रही है। कुछ बिजी शेड्यूल के होने के नाते मैं खुद वहां पे नहीं जा पाया, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जुटा ली है, ठीक है। इसलिए मैं कल जितने भी स्टूडेंट्स थे वो देर रात काफी दूर दूर से आए थे, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया 3-4 बजे के बाद से। तो लेकिन मॉर्निंग में मैंने मेरी उनसे बात हुई, तो सबसे पहले मैं विनय को, राहुल को, अशोक को, जितने भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन भेजे हैं और 2-3 लोग से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने सारे डाउट्स को क्लियर किया जो वहां पे उनसे बातचीत हुई। फ्रेंड्स, सचिव से बात नहीं होके उप सचिव से वहां पे कल भी बात हुई, शायद वो ऑप्शन थे तो, लेकिन जितनी भी आपकी डिटेल्स थी वो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो बारी बारी से पहले आपको क्वेश्चन को देख लेता हूं और फिर इसके आंसर को बताता हूं। तो सबसे मेन क्वेश्चन था आपका सबसे कि जो लिस्ट आई है उसमें कुछ स्टूडेंट जो बाहर हुए उनके बारे में कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में कौन है और कौन बाहर हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, जो 170 लोगों की लिस्ट आई है उनका कंफर्मेशन ये नहीं है कि अभी इनको बाहर कर दिया जाए, इसीलिए ये लिस्ट शो नहीं किया, ऑफिशियल शो नहीं किया नामों। तो इसमें क्या किया, दोबारा जो उप सचिव ने बोला कि इस पे दोबारा विचार किया जाएगा, जिन पे अगर माइनर मिस्टेक्स होती है तो उनको फिर से उसमें सूची में डाल दिया जाएगा या शिफ्ट कर लिया जाएगा। और जब आपका डीबी का फाइनल रिजल्ट आएगा, भी मैं बताऊंगा कि वो कब आएगा पूरा फाइनल रिजल्ट, तो उस टाइम इनका नाम मेंशन करके आएगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट का ये था कि इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्ट्रिक्टली वे में कहा है कि शासनादेश से हमें आदेश है कि जब तक 3210 वैकेंसी जो आपकी पूरी वैकेंसी है फिल नहीं हो जाती, इसलिए इन्होंने जो आपके कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं और जितने डीबी में नहीं पहुंचे थे उनको मिला के 20% एक्स्ट्रा इसीलिए बुलाया गया है कि ताकि ये पूरी वैकेंसी को फिल आउट कर सके। तो जब तक नहीं पूरी हो जाती तब तक इनको किया गया है कि ये काम पूरा करवाना है और तब तक ये रिजल्ट शो नहीं करेंगे। अब क्या है कि फाइनल रिजल्ट देने की बारी, तो इन्होंने कहा है कि थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि अभी इनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और दोनों लोग का साथ में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो 15 अक्टूबर इन्होंने कहा है कि अक्टूबर के द्वितीय पक्ष मतलब 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर के बाद में इनकी पूरी रिजल्ट आएगी। अब इसमें क्वेश्चन में किया गया आईटीआई के किस ट्रेड धारक को बाहर किया गया, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक बता दूं कि आईटीआई के जितने भी 1 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया। स्ट्रिक्टली वे में उन्होंने कहा कि उनको बाहर कर दिया क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में या नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया था आईटीआई के वो कैंडिडेट जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है। तो ये इसमें है जो 1 ईयर का डिप्लोमा है इनको बाहर किया गया, साथ ही साथ उन लोगों को भी बाहर किया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट के लास्ट डेट जिस दिन फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि है, सर्टिफिकेट या अंक पत्र उनका बाद में मिला है, उन लोगों को भी सिरे से बाहर कर दिया गया चाहे उन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा क्यों ना कंप्लीट किया हो। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिन्होंने आईटीआई प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में प्रोविजनल जमा किया है तो उनके लिए क्या कोई दिक्कत, तो फिलहाल उनके लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दिक्कत सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका अंक पत्र जो मार्कशीट उनको मिली है वो फॉर्म भरने के लास्ट तिथि के बाद मिले, उन्हीं को दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर आपका मार्कशीट उसके पहले डेट की है तो आप जो प्रोविजनल जमा किए हो जब आपका डिपार्टमेंट अलॉट किया गया, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करवाएगी तो उस टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और फाइनल लिस्ट में आपका नाम भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन स्टूडेंट्स के नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम या डीओबी में किसी भी सर्टिफिकेट में मिस्टेक है तो क्या वो बाहर कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इन्होंने अपना 2 व्यूज बताया, एक माइनर मिस्टेक का, एक मेजर मिस्टेक का। माइनर मिस्टेक में जैसे आपका नाम में अभिषेक कुमार है या कुछ भी है, अगर नाम के आगे मिश्रा लग जा रहा है और आपके वो में नहीं है तो ये आप एक लिखित एप्लीकेशन साथ में एफिडेविट लगा के आप इसको कम्प्लीट करवा सकते हो, लेकिन अगर आपका पूरा डीओबी ही वगैरह चेंज है तो ये एक मेजर मिस्टेक में काउंट कर दी जाएगी और लास्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन वगैरह नहीं स्वीकृति की जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
और फिलहाल तो अब कोई एनालिसिस बची नहीं फ्रेंड्स। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। और यूपीएससी प्रोसेस से किसी भी वैकेंसी के अपडेट्स के लिए और किसी भी एनालिसिस किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें फ्रेंड्स। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।